के मुख्य मार्ग में गौड़ खामही गांव स्थित है, जहां पर एक तरफ विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार गांव को आदर्श और सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लॉर्मी के गौड़ खामही में जहां निस्तारी के लिए केवल एक ही बड़ा तालाब है जिसकी सफाई नहीं होने से ग्रामीण खासे परेशान है। यहां बड़े तालाब के संरक्षण और सफाई को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। गांव के तालाब में पसरी गंदगी के कारण स्थिति दयनीय हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को देने के बाद भी आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। वहीं लगातार शिकायत के बाद भी निराकरण नहीं होने पर गांव के युवाओं ने एकजुट होकर 18 दिनों से तालाब की सामूहिक सफाई कर रहे हैं। और ये 15 सालों से इतना बदतर हो चुका है कि लोग हाथ मुंह धोने को मतलब नहीं पहुंचते, हाथ मुंह तक के नहीं धो पाते। इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है जिसको हम सब कोई मिलकर साफ कर रहे हैं, शासन प्रशासन या ग्राम पंचायत कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। अभी एक जन चौपाल हुआ था जिसमें हमारे कलेक्टर सर भी आए थे। हम सब ने जनता की ओर से हमने सब ने एक बात रखी थी कि यहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए, तो कलेक्टर सर ने SDO RES को निर्देशित भी किया था कि इसका एस्टिमेट जल्द से जल्द बनाया जाए। अभी इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है और इस संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात में क्या इस पर कार्रवाई की गई है और वर्तमान में इसमें क्या, अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसमें जानकारी लेके कार्रवाई की जाएगी।